नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। सर्वधर्म सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र कांकरिया ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म जिनमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू है, इसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब ने बकरियां पाली तथा उन्होंने दुनिया वालों को प्रेम, आपसी भाईचारा, सादगी से जीवन जीने का संदेश दिया, तो वहीं क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले ईसा मसीह ने भेड़ चराई व उनके अनुयायियों को आपस में प्रेम भाईचारा का संदेश दिया, तो वहीं श्री कृष्ण जी ने गाय चराई और उन्होंने भी प्रेम भाईचारे का संदेश दिया और सभी इंसानों को आपस में भाईचारे व प्रेम से जीने की कला सिखाई। पत्रकार कांकरिया ने कहा कि तीनों धर्मों के मानने वालों की शुरुआत प्रेम से ही हुई है और इन सभी के मानने वाले यहाँ उपस्थित है तो हम इसके जड़ वतन है। पत्रकार ओम प्रकाश भट्ट ने सबसे पहले ईद मिलादुन नबी की सभी को बधाई दी और उन्होंने इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने का संदेश दिया और उन्होंने पैगंबर इस्लाम के सिद्धांतों की पालन करने की सीख सभी को दी। इसके बाद इमामुल साहब इस्माइल कादरी ने कहा कि इंसान में इंसानियत नहीं है तो मर चुका है। उन्होंने इंसान का मायना समझाया कि इंसान अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम करने वाला। उन्होंने सभी आए अतिथियों का तहे दिल से आभार माना। इस मौके पर सदर कदरुद्दीन शेख, जलसा कमेटी के सदर आबिद गौरी, अब्दुल समद खान, इरफान खान, शहजाद कुरैशी, रियाजुल हक, समीउल्ला खान, रफीक शेख, कमालुद्दीन शेख, अमीन कजी, पत्रकार कमलेश तलेरा, राजेश डामर, पवन नाहर, रहीम शेरानी, पार्षद पीटर बबेरिया समेत शहर के बुद्धिजीवी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अब्दुल हक खान ने किया। थानगला से माणक लाल जैन की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर नाइन में।